इस वीडियो में अपना आपा खोए जिस शख्स को अभी आपने देखा वो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक शिवपूजन सिंह हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिषद में हंगामा कर रहे थे। विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने पुतला दहन भी किया, लेकिन एग्जामिनेशन कंट्रोलर महोदय को लगा कि ये सारे छात्र उनसे व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने पद को भूल अपने नाम की मर्यादा बचाने की जुगत में वो जुट गए और आंदोलनरत छात्र के साथ उसी भाषा में जवाब भी देने लगे। छात्रों ने जब उनसे आश्वासन देने की बात कही तो उस पर भड़के परीक्षा नियंत्रक ने अपना आपा खो दिया। छात्रों के साथ वो भी चिल्लाने लगे। शायद इतनी गर्मी नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की गरिमा को बचाने के लिए किसी पदाधिकारी ने दिखाई होती तो अब तक नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की तस्वीर कुछ और होती। हर एक दूसरे सप्ताह में एनपीयू आंदोलन का अखाड़ा नहीं बना होता। 4 साल बाद भी डिग्री पाकर छात्र मायूस नहीं होते। राज्यपाल के सामने एनपीयू की किरकिरी नहीं होती। खैर, पहले उस पूरे वीडियो को देखिए जिसमें बात कैसे बढ़ी और परीक्षा नियंत्रक को क्यों गुस्सा आ गया। आप आश्वासन दीजिए ना कि हमारा कोई आश्वासन नहीं, विनीत कोई आश्वासन नहीं देगा। शिवपूजन सिंह बता दे रहा हूँ, कंट्रोलर में हूँ या नहीं हूँ आपको नहीं पता है सर, लेकिन मैं शिवपूजन सिंह तो हूँ। तो आप तो समझो तुम लोग, हम नहीं होते तो किसी को हिम्मत नहीं थी हमसे बात करने का। सर हिम्मत नहीं होते रेस्टोरेंट के हित के लिए बात कर सकते हैं सर। आप हम आज 2 महीना कुछ नहीं है, 2 महीना भी नहीं हुआ है, हम जो भी निर्णय लिए हैं सर आपसे पर्सनली कुछ नहीं। घेराव करते हो आदमी भी समझ लो कि कौन आदमी। लिखित दे दीजिए सर, लिखित दे दीजिए, कुछ नहीं लिखित देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा लिखित? इस नोकझोंक के बाद महज आश्वासन की मांग कर रहे छात्रों ने उग्र आंदोलन शुरू कर दिया। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को छात्र झकझोरने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला परीक्षा नियंत्रक के चैम्बर में घुसकर छात्रों ने इस तरीके से हल्ला मचाया कि पदाधिकारियों को अपना कान बंद कर मूक दर्शक बन जाना पड़ा। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जमकर बवाल काटा। यूनिवर्सिटी परिसर में 2 घंटे तक हंगामा कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उग्र आंदोलन की चेतावनी के साथ छात्रों के साथ न्याय नहीं मिलने पर कालिक पोतने तक की धमकी दे डाली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा हम लोगों ने पूर्व में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कुलपति और परीक्षा नियंत्रक को हम लोगों ने सूचित किया था कि जो भी स्टूडेंट फेल हो उनका फिर से रीचेक हो कॉपी, लेकिन उसके बावजूद भी 1 हफ्ते के बाद इनके कानों तक जू नहीं रहेंगी। वैसी स्थिति में हम लोगों ने यहाँ उग्र प्रदर्शन किया। साथ ही वर्तमान में पिछले दिनों जो दीक्षांत समारोह हुआ उसमें इतना भारी अनियमितता और पैसे का बंडरभाट जो हुआ है उसको लेकर के हम लोगों ने उसको सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के आज हम लोगों ने विश्वविद्यालय में परिसर में उपस्थित हुए, यहाँ पुतला दहन किए। 2 घंटा हम लोगों ने यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक का वेट किया, लेकिन वो अपनी अभिमान के चलते और अपने स्वाभिमान को दिखाते हुए हम लोगों से मिलने नहीं आए। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने हरदम प्रदर्शन किया उनके सामने और अभी भी वो इस बात को लेकर के बोल रहे हैं बार बार कि हम विश्वविद्यालय से अपना त्यागपत्र दे देंगे। मुझे यह कहना है ऐसे अधिकारी जिनसे काम नहीं हो पा रहा है वो निश्चित रूप से त्यागपत्र देकर चले जाएं, अन्यथा विद्यार्थी परिषद जिस उग्र हुई यहाँ जो बाहरी जो भी अधिकारी और पदाधिकारी यहाँ जमे हुए हैं उन्हें यहाँ से हम लोग कालिक पोत की और बाहर भेजने का काम करेंगे।